एक ऐसा आइलैंड जहाँ पे मिलता है दुनिया के सबसे खतरनाक बीमारी का तोड़, और आज तक पूरी दुनिया में कोई भी साइंटिस्ट उस बीमारी का इलाज नहीं निकाल पाया है जिसको कहा जाता है कैंसर। मगर इसका इलाज एक आइलैंड पे मिल गया है जो आयुर्वेदिक होता है, और इसको नाम दिए होते हैं ये लोग जीवन का फल। और उसको हासिल करने के लिए कैन नाम का रईस आदमी कुछ भी करने को तैयार होता है, इसीलिए उसने एक टीम बनाई होती है जो उस फल को हासिल करने में इसकी मदद करेगी। अब इनको लीन नाम के आदमी की तलाश होती है क्योंकि उसने ही उस फल के ऊपर एक किताब लिखी होती है, और उसने बायोलॉजी के फील्ड में महारत हासिल किया होता है, और उसके आदमियों ने उसके घर का एड्रेस बहुत ही मुश्किल से ढूंढ निकाला होता है, और उसका पता मिलने के बाद वो खुद उससे मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहाँ पे कैन उससे बताते हैं कि तुमने अपनी किताब में जिस फल के बारे में बताया है उस पर मेरे द्वारा बनाई गई रिसर्च टीम ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो उनको पता चला कि फल में मौजूद क्रोमियम कैंसर को ठीक कर सकते हैं। उसको हासिल करने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए, इसके बदले में हम तुम्हारी बेटी का बड़े हॉस्पिटल में इलाज करवाएंगे। दरअसल लीन की बेटी का तबीयत ठीक नहीं होता है, इसलिए वो प्राइवेट स्कूल में बायोलॉजी का टीचर होता है, और ये सुनने के बाद वो इनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि ये लोग उसकी बेटी का इलाज अच्छे से करवाएंगे। अब ये सब एक ऐसे सफर पे निकल पड़ते हैं जिसके बारे में इनको खुद नहीं पता कि इनके साथ आगे क्या होने वाला है, और रास्ते में पता चलता है कि कैन को कैंसर है जो अब लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है, इसीलिए उसकी आखिरी उम्मीद वो फल है। मगर उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है, इसलिए वो उस फल को हासिल करके जल्द से जल्द अपने आप को ठीक करना चाहता है। और इनकी बोट बहुत ही घने कोहरे से होते हुए आगे बढ़ रही होती है, तभी इनकी एक साथी का चाकू से हाथ कट जाने की वजह से उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। उसकी गंध से इनके ऊपर चौंग नाम की फ्लाइंग फिश हमला कर देती है, और उनके हमले से इनके कुछ साथी मारे जाते हैं। ये देख के बोट का कैप्टन उसकी स्पीड बढ़ा के उस कोहरे से बाहर निकल जाता है। इसके बाद इनकी बोट भी खराब हो जाती है, और अब इनको जंगल के रास्ते पैदल ही चल के उस फल तक जाना पड़ेगा। रास्ते में लीन जब एक झरने की पानी की जांच करता है तो उसको पता चलता है कि इस पानी में तो क्रोमियम मौजूद है, और ये बात जानने के बाद अब ये लोग बिना देर किए ही वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। दूसरी ओर शिप के कैप्टन के साथ वहाँ पे तीन लोग होते हैं, और उसमें से दो लोग बोट को ठीक करने का काम करते हैं, तभी उनको वहाँ पे मॉन्स्टर स्नेक मार देता है। इधर रास्ते में इनको विस्फोटक फल मिलता है जिसके बारे में लीन इनको बताता है कि इससे एक जिब्रा को बहुत ही आसानी से मारा जा सकता है। साथ ही कहता है कि ऐसे ज्यादातर फल क्लस्टर में पाए जाते हैं, अगर ये यहाँ पे है तो इसको जरूर किसी जानवर ने ही लाया होगा। इसके बाद ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में ये लोग एक जगह पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तभी इनके सैनिक के पीछे एक बहुत ही बड़ा स्नेक आ जाता है, जिसे देखने के बाद इनकी एक पल के लिए तो सांसें ही रुक जाती हैं, और वो सैनिक को उनके सामने ही निगल जाता है। इसके बाद जब वो इनके ऊपर फिर से हमला करता है तब उस टीम का कैप्टन उसके मुंह में एक नेट फेंक देता है, और उसके ब्लास्ट होने पे उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। तभी इनको वहाँ पे उसी स्नेक के अंडे दिख जाते हैं, और ये लोग उसको फायर करके पूरी तरीके से नष्ट करके वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। इनके जाने के बाद ही वहाँ से एक बहुत ही बड़ा स्नेक गुजरता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि इन लोगों ने उसके अंडे को नष्ट कर दिया होता है। रास्ते में इनको किसी की आने की आहट होती है जिसके बाद ये सब अलर्ट पे हो जाते हैं। तभी वहाँ पे शिप का कैप्टन और उसके साथ एक लड़की होती है जो उस स्नेक के हमले से बच के वहाँ से भाग निकले होते हैं। ये उनसे बताते हैं कि वहाँ पे मॉन्स्टर स्नेक ने सबको मार डाला और हम लोग वहाँ से बड़ी मुश्किल से जान बचा के भागे हैं। इस पर कैन कहता है कि तुम जिस मॉन्स्टर की बात कर रहे हो उसको इन लोगों ने अभी अभी मार डाला है, अब तुम चुपचाप हमारे साथ चलो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब ये लोग वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में इनको पेड़ अपनी शाखाओं में जकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद ये लोग बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से निकलते हैं। मगर इनके कुछ साथी वहाँ पर भी मारे जाते हैं, और उसमें शिप का कैप्टन भी होता है, और ये देखकर अब इन सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। तभी उनमें से एक उस जंगल से बाहर जाने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद कैन उसको शूट करके कहता है कि अब जो यहाँ से मेरे साथ आगे चलेगा उसको मैं 3 गुना ज्यादा पैसा दूंगा। दरअसल इसके साथ जितने भी लोग आए होते हैं वो सभी लोग पैसे के लिए काम करते हैं, फिर वो चाहे जैसा भी काम हो। मगर लिन के दिमाग में कुछ और ही प्लान चल रहा होता है। तब वो कैन से कहता है कि हमने यहाँ पे जितना सोचा था उससे भी ज्यादा खतरा है, अगर तुम्हें यहाँ से आगे जाना है तो अब से मेरी बात माननी होगी। इस पर वो मान जाता है, और अब ये लोग एक बार फिर से उस जंगल में आगे बढ़ जाते हैं, और इस बार लिन के बताए हुए रास्ते पर ये लोग चल के उस फल तक पहुँच जाते हैं। और ये देखने के बाद कैन उसमें से एक
आदमी को उसको लाने के लिए भेजता है। वो जैसे ही उस फल तक पहुंचता है तभी उसको वो स्नेक मार देता है, जिसे देखने के बाद इन सबकी जान फिर से एक बार हलक में अटक जाती है, क्योंकि इन लोगों ने जिस स्नेक को मारा था ये उससे भी बड़ा और भयानक होता है। अब ये लोग बिना देर किए फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, पर उसके ऊपर गोलियों का कोई भी असर नहीं होता है। ये देख के कैन कहता है कि फायरिंग मत करो नहीं तो वो फल बर्बाद हो जाएगा। अब ये लोग वहाँ से पीछे हटने लगते हैं। इसके बाद कैन लीन से कहता है कि तुम जाके वो फल मेरे लिए लेकर आओगे, नहीं तो मैं इन सबको मार दूंगा। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अपनी बची हुई टीम के साथ उसको रोक के रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि लीन उस फल को हासिल कर सके, जिसका लीन फायदा उठा के वो उस फल को हासिल कर लेता है। इसके बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। इधर कैप्टन एक नेट का पिन निकाल के खुद को उसके हवाले कर देता है और जैसे ही वो उसको निकलता है वो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाता है। मगर उस ब्लास्ट से भी उसको कुछ नहीं होता है और जब कुछ देर बाद उसको होश आता है तो वो फिर से इनका पीछा करने लगता है और रास्ते में कैन खुद की जान बचाने के लिए वो अपने असिस्टेंट को ही उसके आगे धक्का दे देता है और वो उसको भी निकल जाता है। लेकिन जब डॉक्टर लॉरेन उसकी दूसरी बार मदद करती है तो वो उसके पैर में शूट करके वहां से आगे बढ़ जाता है। ये देख के लीन उसको एक जोरदार पंच मारता है जिससे वो वहीं पर गिर जाता है। तभी वहां पे मॉन्स्टर स्नेक आ जाता है और ये लोग उसको देख के बिना कोई मोमेंट दिए उसी तरह रहते हैं। पर कैन वहां से भागने की फिराक में होता है जिस वजह से वो मोमेंट कर रहा होता है और ये देख के स्नेक उसको अपनी चंगुल में ले लेता है और उसका फायदा उठा के ये दोनों बिना देर किए वहां से निकल जाते हैं। मगर लीन लॉरेन को छोड़ के उस फल को हासिल करने के लिए चला जाता है जो कैन के हाथों से नीचे गिर गया होता है और वो उस फल को हासिल करने के बाद कैन को देके कहता है कि मेरी बेटी को कैंसर है और तुम इसकी मदद से उसको बचा लेना। ये कह के वो उस मॉन्स्टर स्नेक का ध्यान अपनी ओर करके एक बार फिर से उसको जंगल में लेके जाता है, उस रास्ते पे जहाँ पे ढेर सारे विस्फोटक फल होते हैं। और लीन एक फल को तोड़ के उसकी ओर फेंकता है मगर वो ब्लास्ट नहीं होता है। तभी वहाँ पे सीना आके उस फल को उठा के दोबारा उसकी ओर फेंकती है, लेकिन इस बार वो फल ब्लास्ट हो जाता है और इसके बाद एक एक करके वहाँ पे जितने भी विस्फोटक फल होते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, जिसमें मॉन्स्टर स्नेक के साथ सीना भी मारी जाती है और वो खुद का सेक्रीफाइस दे के लिन की जान बचा देती है। दरअसल लिन ने भी उसकी जान बचाई होती है बिना अपनी जान की परवाह किए। इधर इनको लगता था कि लिन मारा गया मगर तभी वो इनके सामने आ जाता है। इसके बाद ये तीनों उस बोट को लेके वहां से निकल जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस कहानी की कुछ बातें आपको जानना जरूरी है, जैसे कि इनको इस फल के बारे में कैसे पता चला। दरअसल इस फल का खोज 1769 में ही कर लिया गया था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पहले के समय में लोग जड़ी बूटियों को भी दवा के रूप में यूज करते थे और उसको तलाश करने के लिए ये लोग काफी दूर तक सफर भी करते थे। और हो सकता है कि इस फल का खोज उसी दौरान किया गया था और तब के समय में साइंस भी इतनी डेवलप नहीं थी। मगर आज के टाइम पे साइंटिस्ट तो हर फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं और कैन के पास काफी सारा पैसा होता है और उसके दम पे उसने इस जानकारी को हासिल कर लिया था। साथ ही इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि दुनिया में हर समस्या का समाधान है, मगर हमें उस समाधान के बारे में ठंडे दिमाग से ही सोचना होता है, क्योंकि अक्सर लोग जल्दबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मेहनत पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।